श्रीमंदिर रत्नभंडार मामला सत्यपाठ दाखल कर श्रीमंदिर नीति प्रशासक रत्नभंडार अलंकार सुरक्षित थिबा सत्यपाठ में उल्लेख कर रत्नभंडार 149 केजी 483 केजी रूपा अलंकार अछि एबे रत्नभंडार खोलिबार आवश्यकता नाही बोली सत्यपाठ जरियारे कुहा जायछि। मामलार सुनानी आसंता 14 तारीख को धार्य करा जायछि। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु नीति प्रशासक हाईकोर्ट रे सत्यपाठ दाखल करिछन्ति। एनी सूचना देइछन्ति आईजीपी आलोक महापात्र। तेबे तीनोटी कक्ष रे समस्त अलंकार रहिछि। रत्नभंडार बाहर रत्नभंडार चलंता रत्नभंडार रे अछि अलंकार। आम सहित नवेश लाइव जोड़ी होती अधिक आलोचना करिबा। नवेश आम किस पूर्व बालकों सहित कथा होतिलु वरिष्ठ आईनजीवी जे कि अछि आलोक महापात्र एवं किभली भाव रे आपण देखंतु सबु रत्न रत्नभंडार रे रत्न अलंकार सुरक्षित अछि एवं ग्यार भीतर मंदिर नीति प्रशासक तो कोर्ट हाईकोर्ट जो पहुंची मामला एवं हाईकोर्ट में सब दिया जाए तथ्य बर्तमान लाटेस्ट अपडेट कौन रही कहतु। देखो लाटेस्ट अपडेट तो सत्यपाठ रही कि सत्यपाठ कंट्राडिक्ट करुच्छी अर्थात विरोधाभास सृष्टि करुच्छ कारण गोटे पटे एएसआई जी रक्षणाबेक्षण दायित्व रही श्रीमंदिर एएसआई निज रिपोर्ट में दर्शाऊ श्रीमंदिर रत्नभंडार भितर पा गलुच्छा असुरक्षित है से रत्नभंडार सबु अलंकार सुरक्षित रही जो 1.5 क्विंटाल ओजन सुना अलंकार रही रूपा जदि कह 183 के जी सुरक्षित अच्छे जो श्री दाखल करकेट मैंने जो आडभकेट अच्छा मामला परिचालन कर आलोक कुमार महापात्र से अब्जेक्शन आब्जेक्शन आनबार आवश्यकता रही है कारण जदि एएसआई कहे सुरक्षित ना रत्नभंडार तेज से असुरक्षित थोड़ा रत्नभंडार में सुना अलंकार गुड़िक सुरक्षित केमी अच्छी आउ गोटे बड़ कथ हूँ स्वागतिका जे 45 वर्ष तलर तथ्य बर्तमान हाईकोर्ट सम्मुख सत्यपाठ आधार में श्रीमंदिर नीति प्रशासक देखते कारण 1978 मसीह शेष थर पर जो गणना होता है तारी डिटेल रही सबुठ गुरुत्वपूर्ण और संवेदनशील घटना है रत्नभंडार वास्तविक तीन भाग में विभक्त होती गोटे हूँ भितर रत्नभंडार गोटे हूँ बाहर रत्नभंडार और गोटे चलती रत्नभंडार। चलती रत्नभंडार जो चतुर्धा मूर्ति ठारे नियमित लागी करा जाए नित्य सेगुड़िक रही है एवं जदि बाहर रत्नभंडार कथा कह तेबे पर्व पर्वाणी में व्यवहार होता सुना अलंकार लागी थाए सबुठ बड़ कथा रही भितर रत्नभंडार जो जो थे कि 50 केजी 600 ग्राम सुना रही 134 केजी ओजन रूपा रही वास्तविक सेठी स्थिति कौन रही ताहा केही देखि नांती ना नीति प्रशासक देखिछंती ना श्रीमंदिर कौन सेवायत देखिछन केवल नीति प्रशासक जदि कहिबा आमे जो सत्यपाठटी ताहा 45 वर्ष तलर गणनार रिपोर्ट एवं से रिपोर्ट को आधार कर नीति प्रशासक सत्यपाठ रे हाथ काटी लेखि दउछंती जे अर्थात प्रवेश आवश्यकता नहीं सुरक्षित अच्छी वास्तविक क्या आधार में कहते भितर को जाकि भितर देखी ना नहीं कारण पूर्व जानते श्रीमंदिर जो सेवायत मैंने अच्छा से समय समय गणमाध्यम प्रतिक्रिया देते रामकृष्ण दास महापात्र किसी तेज प्रतिक्रिया विशेषकर भितर रत्नभंडार में असुरक्षित रही पा गलुच्छे सु सु शब्द से शुभुच्छ हे तो विषधर साप से थपारती कि अगर किसी कारण थी पे कि जोटा को देखी ना श्रीमंदिर नीति प्रशासक केमी से जे भितर रत्नभंडार रे जो सुना अलंकार रही जो 50 केजी 600 ग्राम सुना और 163 केजी ओजन रूपा रही सुरक्षित अच्छी या रत्नभंडार खोला जाऊ अनेपटे एबे रत्नभंडार खोलिबार आवश्यकता नाही बोली सत्यपाठ जरिया रे मध्य कुहा जायछि किंतु मामलार परवर्ती सुनानी जेतु 14 तारीख को धार्य करा जायछि तो कोर्ट कोन देखिबे कि निर्देश दउछन्ति ता मध्य अपेक्षा कोन कहउछन्ति आपण वरिष्ठ आईनजीवी को सहित मामला को नै के आलोचना करथिले कि कोन कहउछन्ति। देखो जदि मामला कथा कह मोट तीनोटी मामला रत्नभंडार संपर्कित हाईकोर्ट में चली गोटे मामलार शुणी बर्तमान आम बर्तमान डिस्कसन करुचे जे आलोक महापात्र जरा मामला परिचालन कर महांती गोटे मामला रुजू करते कैटेगोरिकाली रत्नभंडार को लेकिन से मामलार शुणी आसंता 7 तारीख अच्छी जहाँ कि मामला परिचालन कर आईनजीवी पीताम्बर आचार्य से भाव जब आउ गोटे मामला कथ कह तृतीय मामला 21 तारीख शुणी अच्छी तेणु सीरीज अफ कह डेट्स रही मसने विशेषकर 7 तारीख दिन यही जो मामला आज डिस्कसन आम करुचु यार तो परवर्ती शुणी 14 अच्छी कि 7 तारीख दिन पीताम्बर आचार्य जो मामलाट अच्छी ताते आसो से आफिडेविट रहा तथ्य को आधार कर युक्ति उपस्थापन करेणु हूं तो अनुमान कर 14 तारीख पूर्व 7 तारीख दिन कोर्ट को
निर्देश आसपे अन्यथा श्रीमंदिर प्रशासन श्री राज्य सरकार रत्न भंडार खोल स्थित हाथ टेकी गोटे प्रकार कथा स्थिर होने अपेक्षा रही हाईकोर्ट निर्देश को हाईकोर्ट घटना को गुरुतर सह नौ हाईकोर्ट सामने कौन कौन सब बलिष्ठ जुक्ति उपस्थापन कराफल की हाईकोर्ट गोटे फेवरेबल अर्डर पिटिशनर मैंने श्रीमंदिर नीति प्रशासक सत्यपाठ दाखल कर पक्षर कौन निर्देश आसूसी समस्त नजर रही बेस गुरुत्वपूर्ण नवेश खबर पर नजर रख वर्तमान समय होइछ नै जीवा गोटे छोटो ब्रेक आ ब्रेक पर देखिबा कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया पृथ्वीर कक्षपथरु बाहरी चंद्र अभिमुखे चंद्रयान तीन सफल है ट्रांस लुनार इंजेक्शन सोल जाए चंद्रर कक्षपथरे घूरी बुलिब चंद्रयान 23 चंद्रर दक्षिण मेरुरे करिब लैंडिंग कमिंग अप प्रायोजक ऑफ न्यू इंडिया languages 26 day garjile outsourcing सह जोरदार आंदोलन करछन्ती राज्य सरकार को 82 विभाग रे स्वल्प दरमारे काम करथुबा हजार हजार आउटसोर्सिंग कर्मचारी भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे विशाल समावेश करछन्ती दरमा वृद्धि स्थायी नियुक्ति एवं पेंशन लागू आदि 10 दफा दाबी रे आंदोलन करछन्ती सेमानको कहिबा कथा बहु कम दरमारे दीर्घ दिन हबो काम करथिले भी सेमानको दरमा वृद्धि करा जाउ नाही विभिन्न समय रे केवल प्रतिश्रुति मिलुछि हेले दाबी पूर्ण हेउ नथुबारु सेमाने बाध्य होई हक पय आंदोलन को लाइछन्ती लिखित प्रतिश्रुति मिलिथिले भी आज पर्यंत ताहाकु कार्यकारी करा जाउ नाही मुख्यमंत्री को सह आलोचना करबाकु एबे जिद धरिछे संघ रायगडा जिला कल्याण सिंहपुर उपरसदा निकट पड़ा निर्माणाधीन पोल सेंट्रिंग घटनास्थल रे चली गला 4 शिशु का समेत 5 जन का जीवन घटनास्थल रे बाप पुअर मृत्यु होई 2 शिशु को हराई दुखरे मियमाण मां पीदिछ विषा ताकु गुरुतर अवस्था रे हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाई उजुड़ जाई परिवार घटना को नहीं शोक बुड़ी पूरा गाँ सेपटे घटना को नहीं आरंभ हो तनागना किभली एवं क्यों परिस्थिति रे खसी पड़ा सेंट्रिंग तार अनुदान करिछंती मंत्री जगन्नाथ सारिका एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ठिकादार विभाग अधिकारी मनमुखी कार्य जो एभली अघटन होता स्थानीय लोक अभियोग करिछंती घटना रे मुख्यमंत्री गभीर शोक प्रकाश करने सहित प्रति मृतकों परिवार को 4 लाख टंका लेखा अनुकंपा मूलक